अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज मैं आपको उर्दू अदब का सबक मिलावट की मश्क कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपको इस सबक की मश्क दे रखी है। यहाँ पर आपको खाली जगह में अलिफ लिखिए, यानी खाली जगह में आपको क्या लिखना है, अलिफ लिखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अलिफ सीन जैर इस, इसको अलिफ सीन पेश उस भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अलीफ बे जबर अब, अलीफ नून पेश उन, अलीफ रे पेश उड़। ये आपको किससे भरना है, अलीफ से। इन खाली जगहों को मुकम्मल करना है। इसी तरह से खाली जगह में अलीफ लिखिए। तो बच्चों, ये ऊपर दो हरफी अल्फाज थे, नीचे तीन हरफी अल्फाज दे रखे हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, अलीफ से लिखकर मुकम्मल करना है इन लफ्जों को। डाल अलिफ जबर डा लाम डाल, दाल अलिफ जबर दा लाम दाल, रे अलिफ जबर रा ते रात, रे अलिफ जबर रा जीम राज। इसी तरह से तीसरा नंबर है, खाली जगह में सोचकर अल्फाज लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से लफ्ज लिखने हैं, सॉरी हुर्फ लिखने हैं कोई भी। दाल वाओ पेश दो, डाल अलीफ जबर डा लाम डाल, इसी तरह से रे अलीफ जबर रा ते रात, रे अलीफ जबर रा जीम राज। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, खाली जगह में दाल लिखिए। दाल वाव पेश दो, दाल मीम पेश दुम, दाल सीन जबर दस, दाल ये जेर दे, दाल ये जेर दी। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर आपको खाली जगह में मत लिखना है, यानी अलीब मत जबर आ लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा अलीब मत जबर आ मीम आम, अलीब मत जबर आ सीन आस, अली मज़बर आ गाफ आग, अली मज़बर आ पे आप। इसी तरह से अली मज़बर आ दाल मीम जबर दम आदम, अली मज़बर आ रे वाव पेश रू आड़ू, अली मज़बर आ रे अलीफ जबर रा आरा, अली मज़बर आ रे ये जेर री आरी। तो बच्चों, खाली जगह में सोचकर अल्फाज लिखिए। तो ये चार हरफी अल्फाज हैं, आपको इनको मुकम्मल करना है। अब जैसे दे रखा है अलीफ और रे, तो हम यहाँ लिखेंगे अलीफ दाल जबर अद रे काफ जबर रख, क्या हो जाएगा बच्चों, अदरक। इसी तरह से दाल रे जबर दर जे ये जेर जी दर्जी, इसी तरह से रे अलिफ जबर रा जे काफ जबर जक, क्या हो जाएगा, सॉरी जे काफ जेर जिक, क्या हो जाएगा, राजिक। इसी तरह से डाल वाव पेश डो रे ये जेर री, यहाँ क्या हो जाएगा, डोरी। तो बच्चों, ये मश्क है आपकी, आपको अपनी किताब में ही मुकम्मल करनी है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।